रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर शिवर लाय रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत समवाई सहस्र बदन तुम्हरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित हरीसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव किन्हा राम मिलाय राज पद दिन्हा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेरी मुख मानी जल धिलांग गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे ते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान झोलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असुर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे
जन्म जन्म के दुख बिसरावि, अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चीतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसन सुर भूप, सियावर राम चंद्र की जय, रघुवीर राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। पूज्य बापू एवं निम्बार्क पीठाधीश्वर पूज्यपाद श्री श्री जी महाराज के सानिध्य में इस राम कथा का आयोजन का शुभारंभ हो रहा है। इस उदयपुर राम कथा यज्ञ समिति के द्वारा आयोजित पूज्य बापूजी का एवं श्री श्री जी महाराज जी का स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम हो, इससे पहले पूज्य श्री श्री जी महाराज से हम करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि वो दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। पूज्य बापू को माल्यार्पण कर श्री श्री जी महाराज निम्बार्क पीठाधीश्वर स्वागत कर रहे हैं इस मेवाड़ की पवित्र धरा पर, पुनः शाल अर्पण कर बापू का अभिनंदन कर रहे हैं। स्वागत की इसी परंपरा में हम इस मेवाड़ की पवित्र धरा वीरभूमि प्रताप के वंशज
सम्माननीय महाराणा साहब द्वारा श्री श्री जी एवं बापू जी को माल्यार्पण होगा, इसके लिए हम पूज्य महाराणा साहब को हार्दिक स्वागत करते हुए उनसे निवेदन करते हैं। साथ ही युवराज पद पर विभूषित महाराणा साहब पोथी जी का भी माल्यार्पण कर पूजन करेंगे, हम आवाहित करते हैं। मेवाड़ वीर भूमि के एकलिंग जी के परम उपासक स एकलिंग सदंग उपासक प्रताप सिंह परतापनाशक, ऐसे पूज्य महाराणा साहब द्वारा श्री श्री जी महाराज के द्वारा स्वागत की इस परंपरा में निम्बार्क पीठाधीश्वर जग श्री श्री जी महाराज का माल्यार्पण पढ़ना, साथ ही आशीर्वाद स्वरूप महाराणा जी के द्वारा ही तथा युवराज पद पर विभूषित इनके द्वारा पूज्य बापू जी का हार्दिक स्वागत पुष्प माल्यार्पण कर अभिनंदन हम समिति के संयोजकों से कहेंगे, महाराणा साहब को उनके स्थान पर विराजमान करें। इस स्वागत की परंपरा में सम्माननीय श्री मदन जी पालीवाल महोदय का हम आह्वान करते हैं कि वो आए और पूज्य बापू एवं श्री श्री जी महाराज का माल्यार्पण कर अपने हार्दिक उद्गार हार्दिक अपने प्रेम को अर्पण कर बापू का पूज्य श्री श्री जी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री मदन जी पालीवाल को हम आमंत्रित करते हैं कि वो आएं और अपने हार्दिक उद्गार को हृदय के प्रेम को बापू के चरणों में निवेदन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वागत की शिव परंपरा में इस पूरी राम यज्ञ कथा समिति के अध्यक्ष सम्माननीय आदरणीय वंदनीय श्री रामस्वरूप जी बागला जी को हम आवाहित करते हैं कि वो भी आएं और पूज्य बापू के चरणों में नमन करते हुए श्री श्री जी महाराज को नमन करते हुए पुष्पाहार अर्पित कर अपने हार्दिक हृदय के उद्गार को प्रेम को अर्पण करें और आशीर्वाद प्राप्त करें कि आपका कथा का आयोजन सफल मंगलमय पूर्ण हो, इसके लिए बापू का श्री श्री जी महाराज जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। स्वागत की इसी परंपरा में महाराणा भूपाल विद्या प्रचारिणी सभा के संचालक प्रबंध निदेशक श्री कृष्णावत साहब को हम आवाहित करते हैं, वो भी श्री श्री जी महाराज जी का पुष्पाहार अर्पण कर स्वागत अभिनंदन करें, साथ ही बापू का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। श्री कृष्णावत साहब इसी स्वागत की परंपरा में मेवाड़ महामंडलेश्वर उदयपुर की धरा को हमेशा संस्कृत से विभूषित संस्कृत की ओर प्रेरित करने का कार्य करने वाले महंत मुरली मनोहर शरण जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं कि आज इस शुभ अवसर पर आपके द्वारा भी आपके ही पीठ के प्रधान श्री श्री जी महाराज जी का हार्दिक स्वागत पुष्पाहार अर्पण कर एवं पूज्य बापू का भी पुष्पाहार अर्पण कर स्वागत अभिनंदन करें श्री महान जी। स्वागत की इसी परंपरा में उदयपुर नगर परिषद के अध्यक्ष जिन्होंने बहुत ही सहयोग प्रदान किया इस राम यज्ञ कथा समिति के कार्य में, ऐसे श्री युधिष्ठिर जी कुमावत जी को भी हम सादर आमंत्रित करते हैं कि वो आएं और पुष्पाहार अर्पण कर स्वागत अभिनंदन करें नमन करें आशीर्वाद प्राप्त करें, ऐसे ही कार्य हमेशा भगवत कृपा से होते रहें।
स्वागत की इस परंपरा में हम हमारे इस मेवाड़ धारा के महाराणा जी का स्वागत करने के लिए हम श्री मदन जी पालीवाल जी को आवाहित करते हैं कि वो पुष्पहार अर्पण कर महाराणा जी का स्वागत करें, इस वीर भूमि का प्रताप के वंशज श्री मदन जी पालीवाल उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। स्वागत की इसी परंपरा में मेवाड़ महामंडलेश्वर महंत मुरली मनोहर शरण जी का स्वागत करने के लिए राम कथा यज्ञ समिति के अध्यक्ष श्री बागला साहब को हम आवाहित करते हैं, वो श्री महान जी का स्वागत अभिनंदन करें। साथ ही इस स्वागत परंपरा के बाद बापू की कथा शीघ्र प्रारंभ हो, बापू का मधुर शब्द हम लोगों के कर्णांद्र से हृदयांगत हो, इसलिए हम चाहेंगे कि अब कथा का प्रारंभ हो। लेकिन उससे पहले आज सौभाग्य है, परम सौभाग्य है हम सभी का कि यहाँ पर निम्बार्क पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज पधारे हैं, उनका आशीर्वाद आशीर्वचन हम आपके समक्ष हो उससे भी लाभ लें, मंगलमय प्रार्थना करते हैं कि श्री श्री जी महाराज के द्वारा। इसमें से मंगलाचरण के रूप में ये रही है, इनमें से आप देख लेंगे जब तक अभी देना। श्री रामचंद्र रघुनाथ जगच्छरण्य राजीवलोचन धनुर्धर रावणारे सीतापते रघुपते रघुवीर राम त्रायस्व केशव हरे शरणागतं माम। श्रीकृष्ण पादयुगलं शिरसा नमामि यत्रान्वितश्रुतिगणो न विरोधमेति यद्ध्यानयोग निरताश्चेदाप्नुवन्ति केशेन्द्रवन्द्यमनिशं मनसा गिरा च यत्सम्प्रदायाश्रयणान्नराणां श्रीराधिका कृष्णपदारविन्दे प्रेमागरीयान् सहसाभ्युदैति निम्बार्कमेतं शरणं प्रपद्ये। समुपस्थित भगवत पदारविंद मकरंद सेवन परायण समस्त संत महात्मा महंत वरीय विद्वत वृंद तथा
भगवत चरणानुरागी परम भावुक भक्त महानुभाव, जीवन में ऐसे अनेक अवसर प्राप्त हुए हैं। कुंभादि पर्वों पर अनेकानेक सम्मेलनों के पावन अवसर पर और श्रीमद् भागवत एवं श्री रामायण जी की विभिन्न कथा समारोहों के पावन अवसर पर हमें सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी महाराज, ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, पूरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, इन विशिष्ट आचार्य प्रवरों के सन्निधान में, उनके निर्देशन में विभिन्न समारोह में सम्मिलित होने का अवसर मिला। कुंभादि पर्वों पर अनेक आचार्य प्रवर जहाँ पर मंच पर समासीन होकर के हजारों हजारों की संख्या में जहाँ संत महात्मा विराजित हैं, संत महंत वृंद हैं, महामंडलेश्वर हैं, मूर्धन्य महानुभाव हैं और भारत के विभिन्न अंचलों से आई हुई धर्म प्राण भावुक जनता, भावुक भक्तजन जहाँ पर समासीन हैं। गंगा जी का पावन तट है तो कहीं गोदावरी की कलकल दिव्य ध्वनि है, तो कहीं क्षिप्रा का मंगलमय दर्शन है, तो कहीं पर श्री यमुना जी का कमनीय पावन कूल है। ये समग्र सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु आज का जो संगम हम देख रहे हैं, आज का जो दर्शन प्राप्त हो रहा है, ये कितना अनिर्वचनीय है, कितना अनुपम है, कितना विलक्षण है, कितना सरस और मधुर और दिव्याति दिव्य कह सकते हैं, किन वचनों से कहें, कोई शब्द को अपने सीमित शब्दकोश में शब्द नहीं है जिनको व्यवहित करके हम अपने भावों को प्रकट कर सकें। आज का जो संगम है वो इतना अनुपम है, प्रथम तो ये भारत की रमणीय धरा इतनी सुपावन है, जिस रम्य धरा पर विधि शिव किन्नर पुरंदर आदि वृंदारक वृंद भी निरंतर समुत्कंठित रहते हैं मानव शरीर को धारण करके कर्मानुष्ठान करने के लिए, और जहाँ बड़े बड़े योगेंद्र मुनिन्द्र अमरात्मा महात्मा परमहंस गंगा जी के, श्री यमुना जी के, सरयू जी के पावन तट पर अवस्थित रह करके, पर्वत गुहाओं में कंदराओं में अवस्थित रह करके दीर्घ काल पर्यंत आराधना रत रह करके जो दिव्य तपश्चर्या करते हैं और सर्वभूत हितेरता की भावना से सर्वे कुशलिना संतु सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कश्चित् दुख भाग भवेत के अनुसार प्राणी मात्र की मंगल कामना के लिए, समस्त विश्व के मंगल के लिए, विश्व कल्याण के लिए जिनकी तपश्चर्या रही है, जिनका मंगल तपश्चरण रहा है, ऐसी जिस लोकोत्तर धरित्री की गरिमा है, महिमा है, और उस ऐसे परम सुरम्य भारत की रम्य वसुंधरा पर समवस्थित, उसके मंगल अंचल में अवस्थित मेवाड़ की धरा
मेवाड़ की ये वसुंधरा कितनी पावन है, कितनी अनुपम है, कितना अनुपम यहाँ पर संगम है, उसकी ओर यदि हम दृष्टिपात करते हैं तो हमें आश्चर्य होता है। और ये आश्चर्य इतना अनुपम है कि जहां पर जिस भूमि पर ब्रज का परित्याग करके भगवान श्री नाथ जी को मेवाड़ को अलंकृत करना पड़ा, इससे बढ़कर के हमारे पास कोई शब्द नहीं है। जिस भूमि की जिस भूमि का लोकोत्तर वर्णन है, जिसका अस्मोर्द्व वर्णन है, जिसकी दिव्य व्याख्या हमारे ऋषि मुनीश्वरों ने, हमारे श्रुति स्मृति सूत्र तंत्र ग्रंथादि समस्त शास्त्रों ने प्रतिपादन किया है, उस ब्रजधाम से इस आपकी मेवाड़ की भूमि पर श्रीनाथ जी महाराज ने पधार करके, ऐसा लगता है मानो यूं कह सकते हैं मेवाड़ में ब्रजभूमि, मेवाड़ एक ब्रजभूमि का ही भाग बना हुआ है, ऐसा प्रत्यक्ष लग रहा है जैसे गोलोक से श्री वृंदावन धाम भूमि पर अवतीर्ण हुआ, गोलोक से वृंदावन धाम भूमि पर अवतीर्ण होकर के और इस धरा को अलंकृत करके जो रस की दिव्य धारा प्रवाहित की, ऐसा ही लगता है कि उसी ब्रज से ब्रज का एक भाग यहाँ इस मेवाड़ की भूमि पर अवतीर्ण हुआ है। और जिसका सौभाग्य ये प्रत्यक्ष होता है कि जहाँ मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई। यदि हम सोरी की दृष्टि से विचार करते हैं, वीरता की दृष्टि से विचार करते हैं, हमारी भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति के संपोषण की दृष्टि से विचार करते हैं, तो ऐसा विश्व में उदाहरण नहीं मिल सकता जो मेवाड़ की भूमि ने प्रदान किया है। यूं तो तीन धारा हमारी आती है हमारे इस राजस्थान में, और ये राजस्थान को सौभाग्य मिला, ये सौभाग्य राजस्थान को मिला कोटि कोटि तीर्थों के गुरु, समस्त यावन मात्र जितने भी इस धरित्री पर तीर्थ हैं, उन समस्त तीर्थों के एकमात्र गुरु पद पर प्रतिष्ठित रहने वाले श्री पुष्कर राज आपके राजस्थान की अंचल में अवस्थित हैं। ये सौभाग्य राजस्थान की धारा को मिला। और इसी राजस्थान की धारा में जहां पुष्कर राज विराजमान है, उन्हीं के निकटतम क्षेत्र में इस मेवाड़ भूमि में हमारे महाराणा प्रताप ने जिस संस्कृति का संपोषण किया, जिस वैदिक सनातन धर्म की परंपरा का संपोषण किया, आने वाली विभिन्न जो विरोधी तत्व हैं उनका निराकरण करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया, ऐसा उदाहरण मिलना बहुत दुष्कर है। इसी प्रकार महाराष्ट्र की ओर हम दृष्टिपात करते हैं तो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के परम कृपा पात्र वीर वरेण्य श्री शिवाजी महाराज छत्रपति जी ने जो दिव्य संस्कृति की रक्षा के लिए भारत की हमारी परंपरा और मर्यादा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, हमारे देव प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, हमारे वेदादि शास्त्रों की रक्षा के लिए जो बलिदान किया, जो समर्पण किया, इसी प्रकार यदि हम दृष्टिपात करते हैं पंजाब की ओर, तो गुरु गोविंद सिंह ने इस धरित्री को अलंकृत करके और आपकी संस्कृति का जो संपोषण किया, और हम राजस्थान की ओर दृष्टिपात करते हैं तो महाराणा प्रताप ने जो उदाहरण उपस्थित किया है वो इतना अनिर्वचनीय है, इतना लोकोत्तर है, जो हमारे शब्दकोश में शब्द नहीं है जिनको हम विवरित कर सकें। हमें स्मरण होता है चित्तौड़ की उस अवस्था का, जिस समय वीरांगनाओं ने, एक वीरांगना नहीं, 10-5 वीरांगना नहीं, जहां 16,000 वीरांगनाओं ने घास के ढेर में अग्नि प्रज्वलित करके अपने आप को समर्पित कर दिया, ऐसा उदाहरण मिलना विश्वकोश में प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसी जहां की लोकोत्तर गरिमा है, लोकोत्तर महिमा है, लोकोत्तर जहां का दिव्य स्वरूप है,
उसके संबंध में किन शब्दों में हम अपने भावों को अभिव्यक्त करें। ऐसी उस पावन भूमि पर, उस रम्य धरित्री पर श्री राम कथा का भव्य आयोजन, प्रिय शिष्यम अर्जुनम निमित्त कृत्य गीता शास्त्रम समुपदिष्टम भगवता पुरुषोत्तमेन, अर्जुन को निमित्त बना करके आनंद कंद नंद नंदन भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता तत्व का उपदेश किया, अर्जुन को निमित्त बनाया, एक भक्त को निमित्त बनाया, एक भक्त को निमित्त बना करके जो पालीवाल परिवार है उनको निमित्त बना करके, और उदयपुर के इस दिव्य प्रांगण में श्री राम कथा का भव्य समारोह। और वो समारोह किस रूप में हम एक और विचार करते हैं तो श्री मुरारी बापू, जहां जो मुरली मनोहर श्याम सुंदर भगवान सर्वेश्वर उनका निरंतर जो गुणगान करने वाले, और श्री राम सुधा रस का निरंतर पान कराने वाले ऐसे युग संत हरिव्यासी श्री मुरारी बापू जो यहाँ पर विराजमान है, व्यासपीठ पर अवस्थित हैं, उनके द्वारा उनके दिव्य मुखारविंद से निर्झरित होने वाली श्री राम सुधा रस धारा जब प्रवाहित होगी, ये भगवत जन अपने कर्ण रंध्रों से जब उसको पान करेंगे तो कितना लोकोत्तर अभूतपूर्व आपको असीमानंद अनुभूति होगी, उसका भी आप सब अनुभव कर सकेंगे। मुरारी बापू के हम ये चिंतन बोलते बोलते चिंतन गया कि मुरारी बापू के नाम में तीन अक्षर आते हैं, मुरारी, उदयपुर के नाम में आरंभ में तीन ही आते हैं, उदय। उधर महाराणा प्रताप का स्मरण करते हैं, वहां भी प्रताप तीन ही नाम आते हैं, तीन ही की दृष्टि। और फिर एक बात और होती है कि यहां पर मकार, मकार नाम है मुरारी बापू के नाम में। मीराबाई के नाम में भी मकार ही आता है, और एक और उदय नाम आता है, चित्तौड़ की ओर भी ध्यान जाता है तो वहां भी तीन अक्षर आते हैं, चित्तौड़, इधर उदयपुर में उदय, और जहां पर एकलिंग भगवान विराज रहे हो उस एकलिंग भगवान की जो गरिमा है, जहां की महिमा है, लोकोत्तर महिमा है, अगणित भगवत जन जाकर के उनके दिव्य दर्शन प्राप्त करके जो रसानुभूति करते हैं वो कितना अनुपम आनंद है। ये समग्र सारा जो दर्शन जो यहां पर धारा प्रवाहित हो रही है ये कितनी मधुर है, कितनी दिव्य है, कितनी अनुपम है, कितनी असीम है। ये धारा अब इस समय उस रूप में आपके सामने उपस्थित होने वाली है। हमारे यहां जैसे नाना प्रकार के व्यंजन बनावे, नाना प्रकार के व्यंजन में यदि आप रामरस का प्रयोग नहीं करें तो व्यंजन फीके रहेंगे, आप उसको सेवन करने में हिचकिचाएंगे, कष्ट का अनुभव करेंगे। हमारे यहां महात्माओं में, संत परंपरा में, संत जन जितने भी यहां विराजित हैं वो सब जानते हैं कि हमारे यहां संतों में जो लवण है उसको रामरस कहते हैं, लवण को रामरस कहते हैं, और इसी का विवेचन उपनिषदों में है, सैंदव करो अनंतरो वाय प्रज्ञान गंध रसघन एव, जहां परात परतत्व परब्रह्म का विवेचन किया गया है उपनिषदों में, उसमें सैंधव लवण का उदाहरण दिया है। जिस प्रकार सैंधव लवण जिस ओर देखे उसी ओर उसकी लवणिमा दृष्टिगत होती है, उसी प्रकार परात परब्रह्म सर्वेश्वर भगवान श्याम सुंदर, परात परब्रह्म भगवान सर्वेश्वर श्री रामभद्र राजीव लोचन नयनाभिराम, वो जिस प्रकार सैंधव लवण अपनी दिव्य एक लवणिमा से समन्वित है, उसी प्रकार परात परतत्व परब्रह्म भगवान राघवेंद्र सरकार वो दिव्य रसमय है, आनंदमय है, और जिसके लिए हमारे शास्त्र निर्वचन करते हैं कि रसो वैसह, वो रसरूप हैं, रसग्वम हेवाम लब्ध्वा आनंदी भवती, उन रसरूप भगवान राघवेंद्र को प्राप्त करके ये जीवात्मा आनंद का अनुभव करता है।
सोष्णुते सर्वान् कामान् स ब्रह्मणा विपश्चिता स आत्मरति ही आत्मक्रीडः आत्ममिथुन है स तत्र परियेति जक्षन क्रीडन रममान है इत्यादि वचनों का हमारे वचनों से वेदों ने प्रतिपादन किया है। उसी राम तत्व का विवेचन श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरित मानस में जो निर्झरित किया है, जो रस की धारा प्रवाहित की है, वो कितनी अनुपम है, कितनी लोकोत्तर है, कितनी विलक्षण है। वही धारा ऐसा लगता है, कभी कभी मानस में भावना भी होती है, हो सकता है कि कोई अतिशयोक्ति समझे, पर ऐसा लगता है कि कहीं श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, तुलसी नाम है, तीन ही अक्षर आते हैं, और कहीं वो मुरारी के रूप में प्रकट हो गए हो तो नहीं कह सकते हैं, ऐसा कहीं हो जाए ये नहीं कह सकते हैं। वो ये प्रभु की लोकोत्तर लीला है, वो कभी किसी रूप में स्वयं प्रभु परात परतत्व यदा यदाई धर्मस्य ग्रानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस संकल्प के अनुसार समय समय पर स्वयं अवतीर्ण होते हैं, किंबा अपने नित्य दिव्य परिकर पार्षदों में से किन्हीं को संप्रेषित करके उनके माध्यम से धर्म का संरक्षण कराते हैं, अनाचार का निवारण करते हैं। तो ऐसे ही नित्य दिव्य पार्षदों में मुरारी बापू को संप्रेषित करके और इनके द्वारा ये दिव्य रसमयी कथा का अभिवर्षण करके अनंत अनंत भगवत जनों को, भगवत भावुक श्रद्धालुओं को जो दिव्य रस सुधा का पान कराएंगे और इस रस सुधा को पान करके जो ये रसानुभूति करेंगे वो कितना अनुपम होगा, कितना मंगलमय होगा, कितना प्रेरणाप्रद होगा, कितना उत्कर्षमय होगा, उसका परिवर्णन वाणी का माध्यम नहीं है। अब हम विराम लेते हुए भगवान सर्वेश्वर प्रभु के श्री राघवेंद्र सरकार के श्री हनुमतलाल जी के चरणारविंदों में नमन करते हुए यह भावना रखते हैं कि मुरारी बापू अविलंब ही अपनी रश्मयी धारा को प्रवाहित करेंगे और इस धारा को प्रवाहित करने से पूर्व अपने अखिल भारतवर्षीय निम्बार्काचार्य पीठ, जो आचार्य पीठ है, राजस्थान में ही अवस्थित है, पुष्करारण्य क्षेत्र में, पुष्कर क्षेत्र में अजमेर के निकट और किशनगढ़ के बहुत निकट, जिसका नाम निम्बार्क तीर्थ है और निम्बार्क तीर्थ के में ही निम्बार्काचार्य पीठ है। उस अखिल भारतवर्षीय निम्बार्काचार्य पीठ के अब जो हमने योजना बनाई उसके अनुसार कि आगे का क्रम परंपरा अक्षुण्ण बनी रहे, इसी क्रम में उत्तराधिकारी का चयन किया और वो उत्तराधिकारी एक बाल रूप में आपके सामने यहाँ उपस्थित है। हम चाहते हैं कि वो अपने मंगलाचरण करके और कुछ अपने भाव व्यक्त कर दे, उसके अनंतर मुरारी बापू अपनी सुधामयी दिव्य पावनतम कथा का अभिवर्षण करें, जिससे कि समस्त पिपासु भागवत परम भागवत भगवत जन आनंद का अनुभव करें। जनैक बंधुम कैसोरवेशम कमनीय केशम कालिंदिकूले कृतरास गोष्ठिम सर्वेश्वरं तं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचंद्र रघुनाथ जगच्छरण्य राजीव लोचन धनुर्धर रावणारे सीतापते रघुपते रघुवीर राम त्रायस्व केशव हरे शरणागतं मां यत्संप्रदायाश्रयणान्नराणां श्रीराधिका कृष्णपदारविन्दे प्रेमागरीयान् सहसाभ्युदैति निम्बार्कमेतं शरणं प्रपद्ये। प्रातस्मरणीय आचार्य चरण परम युग संत श्री मुरारी बापू समस्त विद्वत वृंद समस्त भक्त महानुभाव एवं माताएं, आज हम सभी का सौभाग्य का दिन है कि हम मुरारी बापू की कथा का श्रवण करने के लिए
यहाँ एकत्र हुए हैं। श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी का मैं आपको एक प्रसंग सुनाऊंगा। एक बार का प्रसंग है, दो गुरु भाई रहते हैं, तो एक कहीं बाहर भ्रमण के लिए चले जाते हैं तो दूसरे ने सोचा कि हनुमान जी की उपासना की जाए, इसलिए उन्होंने हनुमान जी का एक चबूतरा बनाकर वहीं हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दी। जब वो वहाँ से आए तो फिर वो पहले वाले चले गए घूमने के लिए, तो उन्होंने देखा यहाँ मूर्ति तो स्थापित हो ही गई है, तो इसके ऊपर कुछ झोपड़ी सी बना दी जाए। उन्होंने उसके ऊपर घास फूस की झोपड़ी बना दी। फिर जब वो वापिस आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ हनुमान जी के ऊपर झोपड़ी किसने बनाई, तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये झोपड़ी किसने बनाई, तो उन्होंने बताया मैंने बनाई। कि क्यों, तुमने क्यों बनाई, हनुमान जी को तो ऐसे ही खुला रहने देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हनुमान जी को वर्षा के दिनों में वर्षा लगती है, सर्दी धूप हवा। तो दूसरे बोले कि ये तो महाशक्तिशाली है, इनको क्या हवा लगेगी। तो इसी बात पे उन दोनों पे झगड़ा हो गया और हाथापाई भी हो गई। तो हनुमान जी ने सोचा अगर थोड़ी भी देर कर दी तो बहुत संकट हो जाएगा। उसी समय हनुमान जी वहाँ प्रकट हो गए और उन दोनों को दर्शन दिए। इसी प्रकार हमको भी अवश्य दर्शन देंगे। बोलिए श्री बजरंग बली हनुमान की जय। कथा प्रारंभ होती है, उससे पूर्व अधिक समय नहीं, केवल 5 मिनट के लिए हमारे मेवाड़ महामंडलेश्वर महंत वरीय श्री मुरली मनोहर शरण जी शास्त्री, हम चाहते हैं कि वो अपने ये समस्त जितने भी भगवत जन यहाँ विराजित हैं, संत महंत विद्वत जन विराजित हैं, इनकी ओर से बापू के स्वागत के संबंध में अपने दो भाव व्यक्त करें, उदयपुर की गरिमा का वर्णन करें, ये हम आकांक्षा रखते हैं। महन जी शीघ्र ही यहाँ पधार कर अपने भावों को प्रकट करें। वाजे भी वाजनीवती यज्ञम वस्तु ध्यावसु विश्वानिदेव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्नासुव वरहापीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रतवासक कनक कपिशम वैजयंतींच मालाम रंध्रान वेणुन अधर सुधया पूरयन गोपवृंदैर वृंदारण्यम स्वपदरमणम वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति प्राविशत गीत कीर्ति नीलांबुजश्यामलकोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्री निम्बार्काचार्य श्री श्रीजी महाराज के पावन चरण कमलों में सादर वंदन करता हुआ विश्वविख्यात विश्ववंदित मानसावतार कहें परमादरणीय मुरारी बापू को भी अभिनंदन सहित मेवाड़ की पावन भूमि में श्रद्धा के साथ स्वागत करते हुए सभी सज्जनों
देवियों माताओं और परम पूज्य परमाराध्य संत समाज की उपस्थिति में साक्षी में आज के समारोह में पूज्य श्री जी महाराज का सबसे पहले मैं मेवाड़ की इस पावन मिट्टी में पावन गद्दी से स्वागत करना चाहता हूँ। मेवाड़ की पावन भूमि का सौभाग्य है, मेवाड़ की ये पावन प्रतिष्ठा राज प्रतिष्ठा का यह सौभाग्य है कि जय समुद्र का जब निर्माण हुआ उस समय जय समुद्र का उद्घाटन करने के लिए अखिल भारतीय निम्बार्काचार्य पीठ सलीमाबाद के श्रीजी महाराज के पूर्व आचार्य स्वामी नारायण शरणदेवाचार्य जी महाराज विक्रम 1748 में पहली बार उदयपुर पधारे, उन्होंने जय समुद्र का उद्घाटन किया। वो जय समुद्र तो एक चेतन रहित जड़ पदार्थ है, लेकिन इस जय समुद्र का उद्घाटन करने के लिए मुझे श्री जी महाराज आज उदयपुर में पधारे, इससे बड़ा कोई आनंद का विषय दूसरा नहीं हो सकता। वो पानी का समुद्र है, ये मानवता का समुद्र है। वो जड़ पदार्थ है, ये चैतन्य प्राणी ऊर्जा से संपन्न सामने विद्यमान है। इसका उद्घाटन करने के लिए उसी निम्बार्काचार्य परंपरा के 48वें आचार्य श्री जी महाराज हमारे विद्यमान मध्य में विद्यमान है। ऐसा लगता है, ऐसी परंपरा लगती है, हम तो हमेशा एक ही हंस की कल्पना करते हैं और एक ही हंस की वंदना करते हैं, लेकिन आज ये लगा, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, इस पावन शुभ्रतम इस सिंहासन पर दो धवल हंस विराजमान हैं, जो ज्ञान के प्रतीक हैं, तो जो भक्ति के प्रतीक हैं, तो योग के प्रतीक हैं, तो कर्म के प्रतीक हैं, तो साधना के प्रतीक हैं, तो भगवत उपासना के प्रतीक हैं। ऐसे पावन दिव्य विभूतियाँ आज हमारे बीच विद्यमान हैं, सुशोभित हैं। पूज्य महाराज बापू के संबंध में क्या कहा जाए, मेरे कहने का कोई महत्व नहीं है। एक मनुष्य एक वाणी क्या कहती है, कुछ भी नहीं होता उससे। करोड़ों करोड़ों वाणियों से कोटि कोटि जन्म मेदिनी जिनकी वाणी को प्रतिदिन प्रातःकाल श्रवण करके अपने जीवन की दिनचर्या प्रारंभ करती है, अपने जीवन का आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ करती है। अभी महाराणा साहब को मैं भी इस बातचीत कर रहा था, मेवाड़ के पूज्य महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी से, उन्होंने कहा कि हमने तो आज आप कहते हो कि यहाँ मेवाड़ में पधारे, हम तो रोज प्रातःकाल उदय होते ही और मुरारी बापू के दर्शन करते हैं। एक दिन क्या होता है, हजारों दिन सैकड़ों दिन हम तो नित्य प्रति मुरारी बाबू का दर्शन करते हैं, ये अभी बैठे बैठे महाराणा साहब मुझे कह रहे थे। तो मैं क्या स्वागत करूं, मेवाड़ की धरा पावन धरा है, ये श्री जी महाराज अभी कह रहे थे आपके सामने। इतने बड़े आचार्य वैष्णव परंपराओं के 5000 वर्ष पुरानी परंपरा, जिस राधा कृष्ण भक्ति संप्रदाय की परंपरा की, भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम जाने के तुरंत पश्चात, द्वापर युग की समाप्ति के तुरंत पश्चात, कलयुग के प्रारंभ में भगवान निम्बार्काचार्य का प्राकट्य हुआ, जिनके गुरु नारद ऋषि हैं, जो जिनकी मणि जिनके गले में मणि के रूप में भगवान का श्री विग्रह विद्यमान होता है, उन नारद मुनि ने वह मणि श्री विग्रह वाली पूज्य निम्बार्काचार्य जी के आदि निम्बार्काचार्य को प्रदान की थी, जो आज भी श्री जी महाराज के गले में विराजमान रहते हैं, जिनका दिव्य दर्शन प्रातःकाल 9 से 10:30 बजे तक महाराज श्री जहाँ भी विराजते हैं वहाँ होता है। ऐसे दिव्य विभूतियों के साथ मुरारी बापू का मैं पहले भी 2-3 प्रसंगों में पूज्य मुरारी बापू का और श्री जी महाराज का दर्शन करता रहा हूँ, बराबर इनका स्वागत सम्मान करता रहा हूँ। सम्मान तो हृदय से होता है, सम्मान तो मन और बुद्धि से होता है, सम्मान तो आत्मा से होता है। यदि पूज्य बापू उस तरह से आज इस अनंत जनमेदिनी को अपनी कृपा वर्षा से कृपा वर्षण से अगर आज आह्लादित करेंगे, आनंदित करेंगे, इनको राम रस में डुबो देंगे, मैं ये नहीं कहना चाहता कि राम रस नमकीन है, मैं तो ये मुझे तो ये लगता है अगर पूज्य मुरारी बापू से राम रस सुनेंगे तो राम रस भी नमकीन के स्थान पर शक्कर जैसा मिश्री जैसा मीठा हो जाएगा, नवनीत की तरह सुकोमल हो जाएगा। ऐसा पावन राम रस का पान पूज्य मुरारी बापू करेंगे निश्चित रूप से। यहाँ की मर्यादाएँ हैं, यहाँ की व्यवस्थाएँ हैं, मैं तो पूज्य मुरारी बापू का मेवाड़ की धरती में मेवाड़ के संतों की ओर से यहाँ राजस्थान का सौभाग्य पूज्य मुरारी बापू से निवेदन करना चाहता हूँ। राजस्थान ही इस संपूर्ण भारत में एक ऐसा राज्य है, संपूर्ण भारत में, कि जहाँ निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य रहते हैं, बल्लभ संप्रदाय के 5 आचार्य रहते हैं, रामस्नेही संप्रदाय के 4 आचार्य निवास करते हैं, कबीरपंथ राम और दादूपंथी संप्रदाय के आचार्य निवास करते हैं, रामानंद संप्रदाय के 4-5 आचार्य निवास करते हैं। इतना बड़ा आचार्यों का निवास स्थली पूरे भारत में कहीं भी घूम जाओ, चाहे कोई भी देश हो, इस राजस्थान जितनी आचार्य परंपराएँ आचार्य पीठें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी।
मुझे लोग पूछते हैं महंत जी, मुझे लोग पूछते हैं कि 24 अवतार हो गए, 24 अवतारों में अनेक अवतार पंजाब में, कोई यूपी में, कोई बंगाल में, कोई कहाँ, कोई कहाँ, कोई कहाँ हुआ, आपके राजस्थान में तो कोई अवतार हुआ ही नहीं। तब मैं निवेदन करना चाहता हूँ राजस्थान में मेवाड़ की विभूति के बारे में कि मेवाड़ और राजस्थान में अवतार होने की जरूरत ही नहीं थी, अवतार तो वहाँ होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। मैं तो वहाँ उत्पन्न होता हूँ जहाँ दुष्ट लोग पहले दुष्टताएँ करते हैं, राक्षस लोग ज़्यादा होते हैं, वहाँ मुझे अवतार लेने की आवश्यकता होती है। राजस्थान में न तो राक्षस पैदा होते हैं, न दुष्ट पैदा होते हैं, न दैत्य पैदा होते हैं, न दानव पैदा होते हैं। भगवान यहाँ क्यों अवतार लेंगे, क्यों अवतार लेंगे, यह विचार करने की बात है। इसलिए इस पावन धरा में पूज्य मुरारी बापू का स्वागत करता हूँ। अब मुरारी बापू तो क्योंकि ये तो अवतार के रूप में नहीं, ये तो पावन भक्त के रूप में, शुचि साधक के रूप में, तुलसीदास जी के अवतार के रूप में पधारे हैं, इसलिए ऐसे पधारे हुए पूज्य मुरारी बापू का हृदय से स्वागत करता हुआ मेवाड़ के संतों से, जनता की ओर से, माताओं की ओर से और पूज्य जन जो यहाँ की ज्ञान योग्य समिति है उसकी ओर से हृदय से सादर स्वागत करता हुआ आप सब की ओर से अभिनंदन करता हूँ और अपना अभिवादन करता हूँ। स्वागत अभिनंदन के इस कार्यक्रम के बाद पूज्य बापूजी के श्री चरणों में नमन करते हुए कथा प्रारंभ। श्री राम
मनो Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram.
जनक सुता जग जग जननी जानकी अतिशय प्रिय बसरी
राम सरचा धर कुंद इंदु संदेह उमारमन करना रघुनंदन आनंद कमल
अजीरा विहारी मंग
राम राजा
जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, जब 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 हो धर्म के हानि, बाढ़गे असुर अधम अभिमानी, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु हरहि कृपानि दि सज्जन पीरा, हरहि कृपानि दि सज्जन पीरा, हरहि कृपा मेरे भाई बहन, जीवन का अंत आए इससे पहले मन का कबूतर अपनी मूल जगह पर पहुंच जाए, अपनी जमीन पर जाए ताकि उसका उड़ना बंद हो जाए, यही है सातवें कांड का वरदान। नहीं कहूं पायो पर
कथा चाहिए तो सुनो राम कथा, गाओ राम कथा, स्मरो राम कथा, भगवत कथा। यदि जीवन में युवानी में नेम और प्रेम का जुगपद निर्वाह करना चाहती है इस देश की युवानी तो गाओ मानस का अयोध्या कांड। यदि प्रौढ़ता से इस दृढ़ भक्ति को पाना है सुनो अरण्य कांड। और फिर इतनी यात्रा के बाद कोई मनोरथ की सफलता चाहिए तो गाओ किष्किंधा कांड। और फिर किष्किंधा कांड गाते गाते बिना श्रम इस भवसिंधु से पार होना है तो गाओ सुंदर कांड। और फिर छठे सोपान पर जो संघर्ष है इनमें से विजय को ठीक से संभालना है तो विजय के साथ विवेक मिलेगा, तो विभूति मिलेगी, गाओ सुनो स्मरो लंका कांड। और आखिर में यदि परम विश्राम भूमि मिल जाए, अब मन के पक्षी को कहीं उड़ना ना हो, अब जहां जाना है वो जगह मिल गई, वो है तुलसी का पायो परम विश्राम। ये सातों कांड का सात मनोवैज्ञानिक फल है जो कांड के समापन में कहा जाता है। मैं पहले आपको कह देता हूं कि ये इस शास्त्र का, इस ग्रंथ की जिसने उपासना की, इनकी शरण जिन्होंने ली, भारती तमाम ग्रंथ इनके इस विधा से जिसने आश्रय किया है उसको ये सातों मिलता है। कई महापुरुषों को मिला है, मिलता रहता है। मैं आपको दावत देता हूं कि आइए, ये मस्तों की प्रेम सभा है, यहां संभल कर आना जी, ये मीरा की भूमि है, यहां आए वो फिर लड़खड़ा जाएंगे। किसी के हृदय में कृष्ण होता है, किसी की आंख में कृष्ण होता है, किसी के मुकुट में कृष्ण होता है, किसी की भुजाओं में कृष्ण होता है, लेकिन एक ऐसी महिला इस भूमि ने दी कि इसकी घुंघरू में कृष्ण रहता था, हृदय में नहीं, सीने में तो रहा गीता वाला ईश्वर सर्वभूतानाम, लेकिन इनके घुंघरू में निवास किया भगवान कृष्ण ने। ऐसी ये भूमि अनुव्रजाम्यहम नित्यम जो घोषणा ग्रंथों ने किए, इसी भांति जिसके घुंघरू में कन्हैया बैठा है। घुंघर घुंघर और इस विचारधारा से भी जुड़ी हुई है। इससे दीक्षित है बांध कर ना मेवाड़ मीरा और महाराणा का ये संगम, इसकी महिमा कौन गाए। तो ये प्रेमियों की प्रेम सभा है, यहां संभल कर आना जी। नीरज की कविता के मुताबिक गोपालदास नीरज, आइए मेरे भाई बहन। मैंने तो व्यासपीठ से कहता रहता हूं इन आचार्यों की कृपा और आशीर्वाद से कि 21वीं सदी का यदि कोई महामंत्र है तो एकमात्र प्रेम है। प्रेम के बिना इस विश्व का संतुलन होने वाला नहीं मेरे भाई बहन, एकमात्र प्रेम। और प्रेम के कारण जब आंखों से करुणा के अश्रु गिरेंगे तभी जगत में विश्राम आएगा, तभी जगत में रोते तो सब है, आंसू तो बहुत से है आंखों में जिगर, लेकिन जिगर का शेर है
आंसू तो बहुत से हैं आंखों में जिगर, लेकिन विंध जाए सो मोती है, रह जाए सो दाना है। आंख में आंसू तो कई लोगों को आते हैं, लेकिन करुणा के उससे बिंद जाए वो मोती बन जाते, मीरा के आंसू मोती बन जाते। राजस्थान की भूमि के कंकड़ों को कंकड़ मत समझना, वो मीरा की आंखों से गिरे मोती हैं। ये भूमि की महिमा है। यूं यहां कहूं जब नहीं, मैंने राजस्थान में गवे अच्छी समर्पण की जहां बात है और जहां भजन की बात है। घर घूंघर बांधे, जिसके घुंघरू में गोविंद बैठता था, ऐसी मीरा की ये भूमि मेरी व्यास गाली आप सबको दावत देती है। यहां कोई उपदेश आदेश ऐसी कोई बात नहीं, उपदेश आदेश तो पूज्य आचार्य चरण दे सकते हैं, इनका इनका अधिकार है। हम तो उनके चरणों में बैठकर नौ दिन साथ में बैठकर मानस की चौपाई द्वारा धर्म के सूत्रों की चर्चा करें कि तुलसी ने 32 लक्षण धर्म के बताए और पंक्तियों में 32 तो ऐसे गिनकर प्रधान प्रधान, बाकी उसके पेटा विभाग उसकी शाखाएं लो तो बहुत से हो जाए, क्योंकि धर्म स्वयं एक वट वृक्ष है, इनकी शाखाएं इनके पर्ण धर्म अनंत है, शाश्वत धर्म है। इस धर्म को रामचरितमानस ने किस रूप में देखा उसकी चर्चा इस कथा में प्रधान रूप में करेंगे। नाम ही आज ही दे दूं, मानस धर्म सूत्र। मानस में धर्म के कितने सूत्र पड़े हैं इसी को, और यहां वो धर्म का चर्चा करना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि इस भूमि ने करीब करीब मनु के जो प्रधान 10 लक्षण है, क्या उनको चरितार्थ नहीं किया इस धरती में? 10 चरितार्थ किया है। ऐसी भूमि पर हम मानस के प्रसंग तो जरूर लेंगे संक्षेप में, लेकिन प्रधान रूप में रामचरितमानस में धर्म की क्या धारणा है, धर्म के बारे में क्या दर्शन है, उसकी चर्चा हम और आप करेंगे। पूज्य चरण का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और पूरा आयोजन मैंने शायद निम्बार वहाँ अपने आचार्य पीठ में ही कथा के समय कहा था, शायद मुझे स्मरण है कि नहीं, कि सेव्य दिव्य और भव्य ऐसी कुछ बातें मैं कह रहा था, कि कभी कभी ऐसा होता है कि आयोजन भव्य होता है, दिव्य होता है और सेव्य होता है, तो ये तो सेव्य भूमि है श्रीनाथ जी भगवान की, एकलिंग जी महाराज की। तो मैं पुनः एक बार मेरी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ और हम सब साथ में मिल करके मानस का गान करेंगे और इनमें से धर्म का, आजकल धर्म की चर्चा, धर्म नाम आते लोग डरते हैं, कुछ लोग तो कुछ क्षेत्र के लोग वो जो धर्म नाम आते डरते हैं, अमुक क्षेत्र के लोग धर्म से भड़कते हैं। धर्म का मतलब क्या? आचार्यों ने संतों ने अपने जीवन में अनुभव करके जो हमारी सनातन परंपरा है इनमें धर्म की कौन, धर्म का क्या स्थान है, वो जो खोल खोल कर बताया है, इनमें गोस्वामी जी के दर्शन के माध्यम से हम धर्म की चर्चा करेंगे और साथ साथ प्रसंगों को भी गाएंगे। बस आशीर्वाद मिल चुका है, अब तो कोई प्रश्न नहीं है, फिर भी कथा के क्रम के कारण आइए गणेश जी और हनुमान जी का स्मरण कर ले। हे बाबा हम आपको प्रणाम करते हैं गोस्वामी जी के शब्दों में। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सब गाइए। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए।
कर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन गाइए गन के जगवंदन गाइए आज की कथा को यहाँ विराम दूं, इससे पहले एक दो मिनट के लिए भगवान नाम संकीर्तन किया जाए, फिर आज की कथा को विराम देंगे। तो आइए भाव और श्रद्धा के साथ कुछ क्षणों के लिए हरे रामा रामा राम सीता राम राम रामा हरे रामा सब गाइए राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे सर्वेश्वर भगवान की जय। श्रीनाथ जी भगवान की जय। एकलिंग जी महादेव की जय। पवन तनय संकट हरन की कथा यहाँ विराम ले रही है। कल से अब सभी दिन कल सुबह 9:30 बजे कथा शुरू होगी, तो कल 9:30 बजे फिर कथा को आगे लेकर चलेंगे भाव और श्रद्धा के साथ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। सदगुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आरती श्री राम ललित ललित सियती। आरती श्री रामायण जी की गावत ब्रह्मा विकली नारद वाल्मीकि विज्ञान विशार सुख सन का सारद बरमी पवन सुत तीरती। आरती श्री रामायण जी गावत स्वेद पुराण रस सो शास्त्र सब संतन को सर्वस सारंस संवत सबरी। आरती श्री रामायण जी की गावत संतत संभुत संभव मुनि ज्ञानी व्यास आदि कवि ब्रज बखानी काव्यभूषुणि गरुड़ तेरी। आरती श्री रामायण जी कलिमल विषय रस
तेरा